संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हम इस वीडियो में समझ रहे हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में जो इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन चीज़ों को हम इसमें गौर करेंगे। पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है, यानी संघीय शासन व्यवस्था में जो सरकार की शासन व्यवस्था होती है वो कई भागों में बट जाती है, एक या दो, ठीक है, तो दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जब संघीय शासन व्यवस्था में हम क्या करते हैं कि शासन व्यवस्था को बांट तो देते हैं, लेकिन सबका काम एक ही होता है, नागरिक समूह पर शासन करना और कानून बनाना, कर वसूल करना, और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी सबकी शासन व्यवस्था अलग अलग कार्य करती है, नागरिक पर उनका कार्य होता है, जैसे कानून बनाने के संबंध में, टैक्स वसूलने के संबंध में, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। दूसरी बात समझ में आ गई हमारी। तीसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए जाते हैं। जब भी जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है उस देश के संविधान में उस सरकारों के यानी विभिन्न स्तरों के सरकार के अधिकार स्पष्ट रूप से बता दिए जाते हैं, और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी की सुरक्षा देती हैं। आगे का बात समझे विशेषताओं में, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि संविधान में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, अगर उन प्रावधानों में कोई परिवर्तन करना है तो किसी एक सरकार की सहमति से उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उस देश की दोनों सरकार या जितनी भी सरकार जो हर स्तर में बटी हुई हैं उसको मिलकर या उन सभी की सहमति से उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो प्रावधान में अगर परिवर्तन करना है तो सरकारों में सहमति होना आवश्यक है। अगला पॉइंट बात करें, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकार के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी मतलब अगर मतभेद होते हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकारों के संबंध में, तो उसमें न्यायालय को एक अलग से स्थान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इन सभी अधिकारों के विवादों की स्थिति में अपना निर्णय ले सकती है और उस निर्णय को सभी सरकारों को मान होगा। या हम ऐसा हो सकते हैं कि संविधान में न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को सबसे प्रमुख भूमिका या सर्वोच्च भूमिका में रखा गया है। अगर सरकारों के विवाद जो अपने अपने स्तरों की सरकारों का विवाद होते हैं तो उन विवाद के संबंध में जो निर्णय लिए जाएंगे वो सर्वोच्च न्यायालय दिया जाएगा और सर्वोच्च द्वारा दिया गया फैसला या निर्णय सभी सरकारों को मान्य रहेगा। यानी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालय को हमारे देश के संविधान में दी गई है। अगला बात करें, वित्तीय स्वायत्त निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। वित्त यानी धन से संबंधित, अगर सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए राजस्व यानी सरकार को अपनी आय प्राप्त करने के लिए और खर्च करने के लिए अलग अलग स्रोत दिए गए हैं। उन्हीं स्रोत के माध्यम से सरकार अपनी आय बजट बनाती है और उस बजट के अनुसार वो व्यय करती हैं। आगे पढ़े संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न स्तरों की सत्ता सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे और नियमों पर सहमति होनी चाहिए। यानी जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था बनाई तो जाती है लेकिन उनके दोनों उद्देश्य एक देश की एकता को लेकर ही होते हैं, देश की एकता को बनाए रखें, सभी सरकारें अपने स्तर पर काम करें लेकिन साथ में देश की एकता को बना के रखें, उसकी सुरक्षा करें और सुरक्षा के संबंध में बढ़ावा दें।
और देश के जो क्षेत्र हैं अलग अलग होने के बाद भी उनकी विविधताओं को सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार संघीय शासन व्यवस्था का गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। यानी सरकार किसी भी देश के हो, भले ही अलग अलग भागों में बंटी हो, लेकिन उन सबका ध्येय उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश की भलाई करना, देश के नागरिकों का कल्याण करना, ये सारी चीज़ें, और इन सभी पर इन दोनों की सहमति होना आवश्यक है। इनका एक दूसरे भरोसा होना चाहिए, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं और आपसी भरोसा और साथ रहने पर ये सहमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता हमने समझी है। विशेषताओं को करीब करीब 6 से 7 भागों में बांटा गया है और 7 भागों में ये भी बताया गया है कि संघीय शासन व्यवस्था में की जो विशेषताएं किन किन क्षेत्रों में, से बजट के संबंध में हमने बात करी। अगर विवाद होता है तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय भूमिका का प्रमुखता मानी गई है। अगर किसी कानून में बदलाव करना है तो कानून बदलाव करने के लिए दोनों सरकारों की सहमति होना आवश्यक है, केवल एक सरकार की सहमति से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा देश की एकता को और उसकी सुरक्षा को बढ़ाने की जिम्मेदारी दोनों सरकार की रहती है। तो ये सारी विशेषताएं हमने संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में पढ़ी है।